20 तारीख को पूरा टूट गया था ये देखो यहाँ से पूरा मतलब यहाँ से ना ये। तो दोस्तों देखो जिसने भी यहाँ पे ये होटल बनाया था ना भाई साहब उसका बहुत ही ज्यादा नुकसान हो चुका है यार। ये नुकसान हो गया, वहाँ पे एक दुकान भी थी वो भी बह गई। इसके बाद पूरा रास्ता था यहाँ से जाने का जो कि खत्म डेड हो चुका है। तो ये देखो भाई अभी बताया गया है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे तो मैं वहां नहीं जा रहा। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका रास्ता यही है, देखो यहाँ से नीचे उतर रहे हैं यहाँ से पूरा पार करते हुए। तो ये देखो गाइस ये है कसौल वाइब्स। अभी यार मैंने इसको 2 महीने पहले देखा था कि ये पीपी सेल वाली रोड है, ये पूरे धस के देखो वहाँ पे अभी लोग पैदल ही जा रहे हैं। यहाँ से देखो पूरी रोड गायब गाइस। यार बहुत बुरा लग रहा है यार ये सब देख के। यार यहाँ पे बॉडी निकाल रहे हैं अभी भी, यहाँ पे बॉडी वगैरह रखी थी बॉडी वगैरह, बाकी और भी बॉडी निकालने में लगे हुए यहाँ पे। ये देखो यही वो है जहाँ पे बादल फटा। तो ये बुद्धे जी की दुकान थी ये वाली। तो एक लड़का था विशाल, तो उसकी बॉडी अभी निकाली यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था। इसको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब रूह कांपने वाला जिसे बोलते ना प्रलय वो आया यार। ये मकान ऊपर से आया है, ऊपर से पूरा यहाँ तक ढहता हुआ है ये पूरा। ये देखो इस गाड़ी के ऊपर कितना पत्थर गिरे हुए देखो गाड़ी। तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप सो सब अच्छे होंगे। पहले तो आप सबको नमस्ते। आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है पिछले कुछ 2-3 दिनों से जो कि मॉनसून सीजन ने बहुत ज्यादा मतलब तकलीफ दी है मालदेवता एरिया में, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो उसी का हम नजरिया लेने के लिए आज हम मालदेवता में आए हैं। तो आज हम यहाँ से मालदेवता में जहाँ पे बादल फटा था उस जगह जा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको वहाँ की क्या स्थिति है अभी इस टाइम। दोस्तों ये जा रहा है टीरी चंबा धनौल्टी का दुखाल और हम जा रहे हैं पहले दौरा गांव वाली रोड पे। यहाँ पे एक पुल था जो कि टूट गया था, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को पहले। तो गाइस ये वो पुल था यार जो 20 तारीख को पूरा टूट गया था। ये देखो यहाँ से पूरा मतलब यहाँ से ना ये देखो यहाँ से पूरा ये टूट गया। बाकी पानी का फ्लो भी अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखो सारे काम चल रहा है यहाँ पे पुल को बनाने, अभी पता ही नहीं है कि मतलब क्या। बाकी मैं आप लोगों को इस तरफ से दिखाता हूँ, इस तरफ से और ज़्यादा पानी का फ्लो काफ़ी है और वो जो जितने भी 4 बैरियंस वगैरह रिजॉर्ट है सब के अंदर पानी घुस चुके, जेसीबी भी लगी हुई वहाँ पे। और ये देखो भाई यहाँ से बाकी अभी जा रहे हैं हम आगे की तरफ, उधर जो आपका सल्फर फॉन्ड वाला रास्ता है वहाँ जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों देखो जिसने भी यहाँ पे ये होटल बनाया था ना भाई साहब उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है यार। ये देखो पूरा टूट चुका है वहाँ तक, वो जहाँ तक आप लोगों को ये पूरा ये दिख रहा है ना यहाँ तक पूरा पानी आ गया। बाकी आगे जाएंगे अभी डैम की साइड जहाँ पे वो मैंने पिछले वीडियो देखी होगी आपने मेरी मालदेवता की, तो अभी वहाँ जाते हैं। वो भी उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इसने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, कितने पैसे खर्च किए होंगे इसने जिसका भी ये होगा ये बनाने के लिए। बाकी देखो यार मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये पानी ने बिल्डिंग को ना जो भी ये रिजॉर्ट या कैफ़े कुछ भी घर घुर कुछ भी बन रहा था एक बारी में ही पूरा नुकसान हो गया, तो इसकी तो सारी मतलब उम्मीदों में ना सारा पानी फिर गया सारा। देखो यार नेचर तो कभी भी मतलब कभी भी बारिश होती है कभी भी बादल फटते तो नेचर है, नेचर कॉलिंग है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे नदी किनारे अवॉइड करें, ऐसी ज़मीन वगैरह लेना आपको भी नुकसान होगा और जो जो यहाँ पे हाँ ये कोई नहीं बताएगा वैसे आप लोगों को। तो आपने मेरा ये डैम वाला वाटर ये देखा होगा जिसमें यहाँ पे वो खतरनाक ही वाटरफॉल था, नुकसान हो गया। वहाँ पे एक दुकान भी थी वो भी बह गई। इसको देख के तो ऊपर से डर लग रहा है, वहाँ पे जाता हूँ मैं आपको दिखाने। इतना नुकसान ना भाई मालदेवता में सोचा नहीं था मैंने कि इतना नुकसान होगा। तो देखो भाई यहाँ पे भी ये दुकान बच गई, यही दुकान थी यहाँ पे आखिरी वाटरफॉल के पास। इसके बाद पूरा रास्ता था यहाँ से जाने का जो कि खत्म डेड हो चुका है, पूरा डेड हो चुका है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो पूरा रास्ता डेड हो चुका है। आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी ना ये वाटरफॉल वाली जिसमें मैं इधर गया था। बाकी ये देखो भाई ये सड़क पूरी जा चुकी है, ये देखो इसके बाद डेड खत्म, ये सब कुछ टूट गया है सब कुछ। ये देखो ये दुकान बच गई, यहाँ से हमारा रास्ता जाया करता था और वहाँ पे हम बैठते थे यहाँ पे इस पे बैठते थे हम। और ये देखो भाई इतना ज़्यादा पानी आ गया यहाँ पे, ये देखो ये पूरा खत्म पूरा खत्म। यहाँ पे भी देखो यहाँ तक भी पूरा जिसमें अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे भी पूरा पानी आ रखा है, ये देखो पूरा गीला हो रखा है ना यहाँ पे। ये देखो यार ये पूरा टूट चुका है यार, हम वहाँ बैठते थे। आपने मेरी वाली वीडियो जरूर देखना पहले की और अब देखो, ये देखो पूरा सरिया सूरिया सब कुछ निकल गया यहाँ से, इतने बड़े बड़े बोल्डर सारे के सब फट के ऐसा हो गया है यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक नज़ारा है। तो ये देखो भाई
ये पूरा नजारा ही चेंज हो गया गाइस। तो यहाँ पे ये बाउंड्री होया करती थी जहां से लोग नीचे से ऊपर तक आते थे, ऐसे पूरा घूम के आते थे यहाँ से। पर अब देखो लोगों के लिए आसान हो गया यहाँ से नहाना। अब ये तो कुछ टाइम बाद पानी एकदम सफेद ब्लू हो जाएगा, तो बस लोग यहाँ से सीधा एकदम छलांग मारेंगे पानी में। पर भाई मैं मना करूंगा कि भाई रिस्की है बहुत यहाँ पे, सच में आ रही है देख के बहुत बुरा लग रहा है। इसका मैं आपको रीजन बाद में दूंगा जब मैं उस पल्ली साइड जाऊंगा कि भाई क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, या आप लोगों को मैं समझाऊंगा इस बारे में कि ऐसा ना करो। तो उस तरफ चलते हैं अब यहाँ से। जैसे आप लोग आते हैं ना, ये देखो ये जो टूटा है ना, ऐसे किनारे पे तो बिल्कुल मत जाना है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरी जो धसती है, देखो ये पूरा धसने का डर रहता है यहाँ से। तो बाकी अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पे खतरनाक वाला जो बादल फटा था वो उस तरफ फटा था, वहाँ चलते हैं। और वो देखो अभी ऊपर भी काम चल रहा है, वो देखो जेसीबी वगैरह ना, वो देखो बाकी तो सब देखो यहाँ पे ब्लॉगिंग ही कर रहे हैं। ये देखो गाइस यहाँ पे देखो भाई साहब कितना गंदा, ये रोड पूरी धस गई, बहुत धस गई भाई, पूरी धस गई। मैं आ रहा हूँ कम से कम 2 दिन बाद यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यहाँ नहीं था ना, तो मेरे को पता लगा कि यहाँ पे क्लाउड बस्ट हुआ है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा। मैं दिल्ली था उस टाइम, पर बहुत ही खतरनाक सीन हो गया यार। मतलब जाम पिकनिक बनाने आते थे ना वहाँ पे, ऐसा सीन हो गया भाई, तो बहुत भयंकर सीन हो गया भाई। अभी यहाँ पे देखो मशीन आ रही है, तो यहाँ पे बहुत से लोग देखो पिकनिक बनाने आते थे, सब पूरा बह गया यार, ये पूरा बह गया देखो। तो गाइस यहाँ पे देखो ये पूरा जेसीबी वगैरह लग रही है, और ये जो रास्ता जा रहा है ये पीपीसीएल का रास्ता जा रहा है, ये देखो जो कि पूरा लैंडस्लाइड से बंद हो गया, आगे पूरा बंद हो गया रास्ता। अभी बताया गया है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा। बाकी यार मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो पूरी जो ये राली रोड है ना पूरी बंद हो गई। अभी हम उधर जाएंगे आगे, पर ये देखो यार ये मालदीव से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कहीं गंगोत्री वगैरह में है, क्योंकि वहीं ऐसा पानी दिखता है। और देखो कितनी खतरनाक, वहाँ पे देखो जेसीबी वगैरह काम कर रहा है, और यार ये बहुत ही डरावना सीन लग रहा है यार पूरा मालदीव का, देखो यार बहुत ही तबाही मच गई यार ये। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनका रास्ता यही है, देखो यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, यहाँ से पूरा पार करते हुए ये जाएंगे इधर, यहाँ से जा रहे हैं सारे जो उस कॉलेज में पढ़ते होंगे ना, दास कॉलेज में ना। एक मशीन और आगे रास्ता साफ करने वाली है, अच्छा। मशीन उधर से लगी हुई है, अच्छा। मशीन अभी इधर से लगी हुई है, रास्ता साफ कर रही है। तो ये जो ये हुआ ये उसी दिन हुआ 20 तारीख को ही? हाँ ये उसी दिन हुआ सर। अभी पत्थर गिर रहे ना ऊपर से, तो जो लोग यहाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे वो आ रहे होंगे यहाँ से। नहीं ये देखो गाइस ये आ रहे हैं पूरे लोग ना वहाँ ऊपर से। तो अभी यहाँ पे पूरा काम चल रहा है, देखो रोड बनाई जा रही है अब दोबारा से। 2 हम सरखेत वाली रोड पे, मौसम तो अभी ठीक है, धूप है, पर भाई साहब अब तो यहाँ पे जैसी बारिश का मौसम दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बस दोबारा कैरन आ जाए। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ जेसीबी पूरा यहाँ से नीचे से जो जो काम चल रहा है यहाँ पे, देखो जेसीबी वगैरह यहाँ पे पूरा काम तो बहुत, मतलब यार इनके लिए भी एक रिस्क है ना यार, जेसीबी में इतना पूरा मलबा वगैरह उठा रहे हैं। बाकी तो देखो ये दास कॉलेज है सामने, इनका पूरा ग्राउंड पूरी बाउंड्री पूरा देखो नीचे का सेक्शन पूरा बह गया, वो देखो ऊपर वहाँ अलग काम चल रहा है, वहाँ से पूरा वो रोड बनाएंगे आप पीपीसीएल वाली ऊपर से, वो भी रिस्की है क्योंकि ऊपर से भी पत्थर गिर रहे हैं ना वहाँ कहीं से, वो भी एक रिस्की है पूरा। बाकी तो ये देखो यार यहाँ का पूरा इतना गंदा सीन हो रखा है, ये उस साइड से जो रास्ता दिखाया था और इस साइड से ये काट रहा है। ये देखो गाइस ये है कसौल वाइब्स, अब भी यार मैंने इसको 2 महीने पहले देखा था कि ये पूरा बन गया था बढ़िया एकदम, अच्छे लोग भी आ रहे थे यहाँ पे। देखो बस की हालत देखो यार कितनी गंदी हो गई, ये देखो यार कितना गलत सीन है भाई, वो बच गया पर यार वो तो वो नीचे नीचे की ना वो थोड़ा बाउंड्री उसकी वो हो गई डैमेज हो गई, पर वो देखो यार वहाँ पे अभी हम आगे की तरफ जाते हैं। पर ये देखो रोड यार कितनी रिस्की हो गई, थोड़ा अभी बारिश हो रही थी यहाँ पे, बारिश दोबारा से तेज हो गई तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुक गया। बाकी यार इतना मतलब अब भी कितने 2 हफ्ते पहले भाई मैं आया था यहाँ पे, 2 हफ्ते पहले भाई साहब, 2 हफ्ते के बाद मैं आज जो सीन देख रहा हूँ ना मालदीव का, क्या ही बोलूँ यार, मतलब पूरी पिक्चर ही पूरी यहाँ की ना ये पूरी सीनरी ही ऐसी हो गई कि भाई देखने लायक ही नहीं है यार, मतलब जो नज़ारा पहले था ना वो नज़ारा अब रहा ही नहीं यार, बहुत ही एकदम से बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया यार। ये देखो यार ये देखो पूरा ये पीपीसीएल वाली रोड है, ये पूरे धस के देखो वहाँ पे अभी लोग पैदल ही जा रहे हैं, पर ये ना गाड़ी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी का 2 व्हीलर के लिए भी नहीं है, पूरा देखो ये पूरा मलबा ना नीचे आ गया यहाँ से। और ये देखो यार लोगों के वहाँ पे देखो गाड़ी गुड़ी भी है, ये देखो
गाड़ी वगैरह भी के टायर वगैरह और गाड़ी भी पिचक रही थी पत्थरों के नीचे, इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं यहाँ पे। ये देखो भाई साहब बहुत ही गलत सीन हो गया यार। ये वो रोड है, यहाँ से सीधी नई रोड बनी थी, सीधी जाती थी सरखेत के लिए। सरखेत है उधर, वो उस पॉइंट में है सरखेत पर। यार ये देखो भाई साहब, इस रोड के बाद रोड ही खत्म पूरी। इतने बड़े बड़े बोल्डर आ रखे हैं, इतने बड़े बड़े बोल्डर। ये देखो वो सामने पीपीसीएल वाला पुल है, जहाँ से पीपीसीएल के लिए जाते हैं लोग, जो वाटरफॉल है। और यहाँ पे देखो भाई यार, इतना गलत सीन यार, डरावना सीन है, पूरा डरावना सीन। ये देखो वहां तक पूरा। ये मेरे बैक साइड में ना बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मालदेवता वाली रोड है यार, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ किधर है हम। मैं ना बता नहीं पा रहा हूँ कि भाई, अभी पिछले हफ्ते तो मैं आया था यहाँ पे, वीडियो बनाने गया था अब टपूसेरा वाटरफॉल की, पर ये देखो भाई कुछ वाटरफॉल ही नहीं बचा होगा आगे तो। जब यहीं पे इतने ज़्यादा बोल्डर है, कई लोग तो उसमें बह भी गए, तो जब यहाँ पे इतना गंदा सीन है, आगे जाके अभी देखेंगे क्या क्या नुकसान हुआ है आगे। यहाँ से देखो पूरी रोड गायब। इसके बाद ऐसी रोड बनी हुई थी, वहाँ पे पूरा पानी आता था, पानी ने पूरा इधर चेंज कर लिया अपने आप को, यहाँ इधर आ गया फ्लो। और यहाँ पे देखो ये जितना भी है पूरी एक यहाँ से उस पेड़ तक देखो ऐसे रोड जाती थी एकदम सीधी, सब गायब भाई। तो दोस्तों फाइनली हम पुरानी रोड में आ गए, जहाँ से हम पुरानी रोड में, जो रोड बहुत पुरानी थी, जहाँ से लोग सरखेत वगैरह जाते थे। कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं लेफ्ट में, यहाँ पे रह रहे हैं कुछ लोग मंदिरों में रह रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट स्कूल में रह रहे हैं, कुछ लोग कहाँ रह रहे हैं कुछ पता नहीं है, कुछ लोग बह गए, कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या है। ये देखो यार पूरा चेंज हो गया सब कुछ। यही थी पुरानी रोड जहाँ पे हम पहले आया करते थे, इस रोड से हम जाते थे, यहाँ पे आके मंदिर भी है एक लेफ्ट में। तो कुछ ऐसा दिख रहा है पूरा मालदेवता, इतना जेसीबी लगी हुई, इतने लोग आ रखे हैं यहाँ पे, देखो सरकार भी आ रही है, कितने लोग आ रखे भाई। इसके बाद रोड ही खत्म। देखो वहाँ से आए हम, वहाँ से रोड ना वो जाती थी ऊपर, ये देखो पूरा झंडा ना पूरा ऐसा हो गया। देखो भाई जो झंडा ऐसा आराम से रोड में आता है वो देखो, बाकी SDRF की टीम आ रही थी पूरी, और ये देखो ऐसा हो गया यार पूरा भाई। ये थी भाई मेन रोड, ये पूरी टूट गई है देखो, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया अभी वहाँ पे। यहाँ से आया अभी हम अपनी स्कूटी लेके यहाँ पे, और ये देखो भाई कितना नुकसान हो गया भाई। ये देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा मलबा रखा है भाई। गाइस ये आया है सरखेत गांव, जहाँ पे काफी नुकसान हुआ भाई, भयंकर भाई भयंकर। ये देखो भाई साहब ये पूरा सरखेत गांव है, वो देखो ऊपर ऊपर से भी लैंडस्लाइड आ रखी है भाई, वो देखो ऊपर। दोस्तों जो आपने मेरी टपूसेरा वाटरफॉल वाली वीडियो देखी होगी, उस टाइम का मैंने यहाँ से वीडियो बनाया हुआ था, तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखो कब उस टाइम कैसा था और अब कैसा हो गया यार, ये पूरा भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ आया था भाई एक महीने पहले। बाप रे बाप गाइस, यार बहुत बुरा लग रहा है यार ये सब देख के, यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। यार लिटरली पैदल आया हूँ वहाँ पे, हमने स्कूटी खड़ी कर दी पीछे, बहुत ही गलत भाई, कुछ कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। अभी वहाँ आगे चलते हैं, जिनके घर में बादल फटा वहीं पे हम मैगी वैगी खाने आते थे। तो गाइस यहाँ पे बॉडी निकाल रहे हैं अभी भी, बहुत ज़्यादा गलत सीन है भाई। तो गाइज अभी यहाँ पे बॉडी वगैरह रखी थी, बॉडी वगैरह बाकी और भी बॉडी निकालने में लगे हुए हैं यहाँ पे, और वहाँ पे हम सीधा ना वहाँ पे मैगी वैगी खाते थे, उनके ऊपर ही वहाँ पे बिजली गिरी है उधर ही कहीं ना। तो बाकी देखो सारी है इनके परिजन वगैरह यहाँ पे, जो बॉडी वगैरह यहाँ से निकाली जा रही है ना, अभी यहाँ पे बॉडी रखी हुई थी तो वो उस तरफ ले गए, वहाँ साइड ले गए। तो गाइज ये देखो यही वो है जहाँ पे बादल फटा, और यहाँ तक इसने पूरा नीचे तक ना पूरा यहाँ पे इतना खतरनाक प्रलय आया ना, इतना खतरनाक प्रलय आया है क्या बताऊँ मैं। ये देखो भाई पूरा सब कुछ चेंज हो गया यार। तो ये बुढ़े जी की दुकान थी ये वाली, जहाँ पे हम मैगी वैगी खाने आते थे, और पूरा यहाँ से सड़क जाती थी। ये देखो पूरा गड़बड़ा गया है यार पूरा सीन। ये बुढ़े जी का घर था, वहाँ से घर यहाँ तक आ गया पूरा। मेरे पीछे जो आपको एक घर दिख रहा है ना, और जो ये शॉप दिख रही है, यहीं पे हम मैगी वैगी खाने आते थे। तो मैंने पूछा इन दो भाई जो अभी जा रहे थे, मैं वीडियो में लाया क्योंकि थोड़ा इमोशनल हो रहा था, तो एक लड़का था विशाल, तो उसकी बॉडी अभी निकाली यहाँ पे, जो मैंने आपको दिखाया था अभी उसकी बॉडी निकाली। बाकी बुढ़े जी बच गए, बुढ़े जी उस वाले घर में है पीछे, और उनकी वाइफ मतलब जो भी वाइफ और उनकी जो बहू वगैरह, उनके मतलब वेस्ट से नीचे सब कुछ, टांगे वगैरह सब कुछ कट गई। बाकी यार वो विशाल का सुन के तो बहुत अजीब सा हो गया,
तो अभी भी देखो मेरे पीछे ना सारे बॉडी बॉडी निकालने का काम कर रहे हैं, जितने भी इसके नीचे अभी दफन हुए हैं। बाकी क्या है, जो ऊपर से वहाँ से आया पूरा मलबा कुछ उधर की तरफ गया, आगे की तरफ उधर की साइड, और कुछ इधर की तरफ आया ये। बाकी यार बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको देख के ऐसा लग रहा है ना, मतलब रूह कांपने वाला जिसे बोलते ना प्रलय, वो आया यार यहाँ पे। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई कितना खतरनाक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो मेरे पीछे सारे जिनकी भी इनकी नीचे बॉडी वॉडी फंसी हुई होगी वो निकाल रहे हैं। बाकी यार बारिश स्टार्ट हो गई दोबारा से, मैं आगे नहीं जा रहा वहाँ पे। वहाँ पे तो और खतरनाक सीन हो रखा है कि पूरा ऐसा बह रखा है ना वो, देखो सामने भी, और ये देखो यार कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है यार यहाँ पे। तो आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि भाई मॉनसून सीजन में ना भाई पंगे ना ले यार नेचर से। जितने भी लोग यहाँ पे ना माल देवता का मंदिर था ना जो आगे, जितने भी लोग यहाँ पे चिकन शराब वगैरह पीने आते थे ना भाई, उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि भाई शायद ये हम लोगों की वजह से ही आया है, जो भी आया है एनवायरमेंट से प्रकृति से। जितने भी हम मजाक कर रहे हैं ना, गंदगी कर रहे हैं, कूड़ा कचरा कर रहे हैं, बहुतों की जान भी चले गए यार, बहुतों की जान। बाकी यहाँ पे SDRF की टीम भी लगी हुई है, जिसकी मौत आई होती है यार उसकी तो लिखी हुई होती है। बाकी देखो बुजुर्ग जी बच गए, बाकी वो बच्चे को ले गया भगवान, और वो बॉडी अभी उधर रखी हुई है उधर वहाँ पे, अभी जस्ट निकाली। ये देखो यार बहुत ही डरावना था भाई। तो हम इस दुकान में खाना खाने आया करते थे, ये दुकान पूरी पैक हो गई पूरी। ये देखो ये बूढ़े जी की दुकान थी। ये देखो भाई साहब ऐसा हो गया भाई कुछ सीन। अभी मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ मकान के ऊपर, ये मकान ऊपर से आया है, ऊपर से पूरा यहाँ तक ढहता हुआ है ये पूरा मकान, ये था ही नहीं क्योंकि रोड पे ऐसा हो गया है भाई सीन। इतना गंदा, इतने बड़े बड़े पत्थर यार। चलो आगे की तरफ चलते ही हैं फिर, पर थोड़ा अंदर से दिखाई देता हूँ आप लोगों को। पूरा हुलिया ही चेंज हो गया यार, सामने इग्लू हाउस मैंने आपको तबूसरा वाटरफॉल में दिखाए थे, हर जगह लैंडस्लाइड आ रही है। देखो वहाँ पे भी आ रही है लैंडस्लाइड, वो देखो। ये देखो भाई सड़क का तो नामो निशानी नहीं है कहीं पे भी। पानी देखो, पानी का फ्लो कितना ज्यादा है। ये देखो इस गाड़ी के ऊपर कितना पत्थर पत्थर गिरे हुए हैं। देखो गाड़ी पूरी क्रैश, जो शुक्र है इसके अंदर कोई बैठा नहीं था, पर ये देखो भाई गाड़ी का पूरा पूरा हाल हो रखा है। बाप रे, रोहन जी कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मतलब दिल दहलाने वाला व्लॉग था, आई नो आप लोगों को भी वही लगा होगा, पर यार क्या करें नेचर है सब कुछ। बस यही बोलूंगा कि भाई गंदगी मत फैलाओ, इसलिए ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए सब अपना। जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।